भाजपा मंडल हमीरपुर के प्रत्याशी नरेंद्र ठाकुर ने भाजपा कार्यालय वीरकमल हमीरपुर में विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट हमीरपुर की समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया है। नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट में लुभाने व झूठे वादों से परहेज करते हुए सुशासन को मूल मंत्र बनाने की रूपरेखा तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट में स्वस्थ स्वावलंबी पढ़ा लिखा एवं स्वस्थ हमीरपुर की परिकल्पना विजन डॉक्यूमेंट में की गई है। विजन डॉक्यूमेंट में हमीरपुर के लिए बस स्टैंड के निर्माण को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। डीसी ऑफिस के समीप मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण युद्ध स्तर पर किया जाएगा। कृष्णा नगर में ट्रांसपोर्ट नगर बनाने का प्लान सर्वसम्मति से तैयार करेंगे और इस प्लान को मुख्यमंत्री को प्रस्तुत करेंगे। राज्य सरकार की सहायता से हमीरपुर में हिमुंडा का सर्किल ऑफिस और डिवीजन ऑफिस स्थापित किया जाएगा। हमीरपुर शहर में मौजूद मट्टी हट को बाहर शिफ्ट किया जाएगा। बढ़ते हुए हमीरपुर शहर की सीवरेज प्रणाली का नवीनीकरण किया जाएगा। हमीरपुर विधानसभा में पार्किंग के लिए उपयुक्त स्थान चिन्हित कर पार्किंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। हमीरपुर शहर समेत समस्त विधानसभा क्षेत्र में साफ पानी की सप्लाई हेतु फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएंगे और पुरानी पेयजल योजनाओं को सतत उन्नत किया जाएगा। दुरूही पंचायत में टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाने के काम को गति दी जाएगी। क्षेत्रीय अस्पताल हमीरपुर के समीप बनने वाले मेडिकल कॉलेज में अगले सत्र से कक्षाएं शुरू करवाई जाएंगी। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में आवारा पशुओं से किसानों की फसलों को हो रहे नुकसान से बचाने के लिए पंचायत स्तर पर गौशालाओं का निर्माण करने का प्रयत्न किया जाएगा। स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टर व स्टाफ की कमी को देखते हुए विधायक के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए प्रयास करेंगे। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में जारी किए और हमारी कोशिश रहेगी कि जो विजन डॉक्यूमेंट में हमने जितनी भी हमने हमारा विजन है कि हमने हमीरपुर शहर के लिए और हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में करना है उसको प्राथमिकता के रूप से हम इसको पूरा करेंगे, जिसमें ये मेन मुख्य बातें ऐसी हैं। एक तो जो हमारे यहाँ मंकी हट बना हुआ है नजदीक में, जिससे कि बंदरों का बहुत ही ज्यादा आतंक पूरे विधानसभा क्षेत्र में फैला हुआ है। हमारी ये कोशिश रहेगी हमारी सरकार बनते ही इस मक्की हट को यहाँ से उठाया गया। दूसरे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज पिछले 2-3 साल से हमीरपुर के लिए मिला है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो निचले हमारे वहाँ सिविल हॉस्पिटल है वहाँ जो काम है उसको पूर्ण जल्दी से तैयार करके वहाँ पर जल्दी से जल्दी हमें मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था हम शुरू करेंगे। तीसरे सीवरेज जो प्रणाली हमीरपुर की है उसमें भी बहुत ज्यादा डिफेक्टिव है, उसको पूर्णतः नवीनीकरण करके और सीवरेज को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारा पूरा प्रयत्न रहेगा। हमारा जो बस स्टैंड है जो माननीय धूमल जी 5 साल पहले जिसका शिलान्यास करके गए थे वहां एज इट इज वो वैसे का वैसे स्थिर है। एक भी पैसा कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 साल में वहां पे नहीं दिया। हमीरपुर शहर डे बाई डे बढ़ रहा है, ट्रैफिक बढ़ रही है, शहर में कंजेशन है। हमारी ये कोशिश रहेगी कि हमीरपुर का बस स्टैंड जो जल्दी से जल्दी उसमें काम लगा के तो उसको पूरा किया जाएगा। ट्रैफिक और पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या हमारे शहर में है। हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो मल्टी स्टोरी पार्किंग वहाँ डीसी ऑफिस के पास पिछले 5 साल से वहाँ एक भी इंटरव्यू लगी, हमारी कोशिश रहेगी उसको ज्यादा से ज्यादा उसको एक्सपेंड करके लोग वहां पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के पार्किंग को वहां पर प्राथमिकता दी जाकर ताकि हमारी जो पार्किंग समस्या है उसमें सुधार हो जाए। इसके अलावा हमारे और भी बहुत सारे ऐसे हमने विजिट डॉक्यूमेंट में लिया है, जैसे मक्की के आधार पर कोई हम यहाँ उद्योग लगाएंगे। वैसे हम हमीरपुर जिला मक्की की बहुत बड़ी प्रोडक्शन करता है और उसका हम फुल यूज करके यहाँ पर उसका मक्की पर आधारित उद्योग लगा रही है। हमारी ये भी कोशिश है। हमारे यहाँ नेशनल हाईवे माननीय मोदी जी की सरकार ने बहुत दिए हैं, हमीरपुर के लिए भी बहुत दिए हैं। हमारी ये कोशिश होगी कि नेशनल हाईवे को जल्दी से जल्दी DPR तैयार करके उन पर जल्द से जल्द काम जो है शुरू किया जाए। डे बाई डे हमीरपुर में लोगों का अट्रैक्शन बढ़ रहा है, यहाँ हर चीज की सुविधा है। हमारी ये कोशिश रहेगी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ टूरिस्ट स्पॉट जो है उनको वहां पर डेवलप किया जाएगा। ये मैंने आपको मोटी मोटी बातें जो है
बता दिए। वैसे विजन डॉक्यूमेंट में और भी बहुत कुछ निकल गया है।